वाराणसी ज्ञानवापी व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, तहखाने का प्रवेश दक्षिण से और मस्जिद का उत्तर से दोनों एक दूसरे को नहीं करते प्रभावित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे केजरीवाल। पढ़ने के लिए मांगी रामायण महाभारत गीता की किताब। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अपनी नवगठित पार्टी RSSP से कुशीनगर लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। पहले देवरिया सीट से अपनी पार्टी का एक उम्मीदवार किया था घोषित। सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को दिया बड़ा झटका। इंडी गठबंधन से अलग होकर ओवैसी के साथ मिलकर यूपी में बनाया नया मोर्चा। नए सियासी गठबंधन को पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा यानी PDM दिया नाम। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PDM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। हाथरस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, मोदी की गारंटी मतलब सर्वांगीण विकास और विकसित भारत की गारंटी, जहां पर अराजकता नहीं, कानून का राज, परिवारवाद नहीं, सबका साथ और सबका विकास। ये मोदी जी की गारंटी क्या है? ये मोदी जी की गारंटी सर्वांगीण विकास की है, विकसित भारत की है। और उस विकसित भारत के लिए, जिस विकसित भारत में बिना भेदभाव के हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को पूरा सम्मान मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, बेटी हो या व्यापारी, दोनों को समान रूप से सुरक्षा की गारंटी हो। बुलंदशहर से सीएम योगी का सपा पर हमला। कहा, पिछली सरकारों की दंगा नीति को आप सबने देखा, जो गुंडे पहले सुरक्षित थे वो आज असुरक्षित हो गए हैं और जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। एक मत, किस्मत, तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं और जनता जनार्दन, बेटी हो, व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच। देश 1947 में हुआ आजाद, लेकिन 2014 तक देश की बड़ी आबादी राशन के लिए तड़पती रही। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। जातिवाद बनाम सबका साथ और सबके विकास के बीच का है। ये चुनाव तुष्टीकरण बनाम भारत की आस्था के बीच का चुनाव है। मेरठ लोकसभा सीट से BJP उम्मीदवार अरुण गोविल का बड़ा बयान। कहा, प्रत्याशी घोषित होने पर लग रहा है अच्छा, हमने जनसंपर्क का काम शुरू कर दिया है। मेरठ में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। लेकिन प्रत्याशी घोषित हुए तो अच्छा लग रहा है और उसके लिए जो काम करना है, हमें जो भी जनसंपर्क करना है वो हो गया है शुरू। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने की दिल्ली पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र समिति की बैठक की अध्यक्षता। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। जल्द घोषित हो सकता है BJP का मैनिफेस्टो। आजमगढ़ से BJP सांसद और प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। निरहुआ ने जीत के लिए विधि विधान से की पूजा अर्चना। कहा, मैं जमीनी नेता हूं, हार जीत अपनी जगह। हम लोग जो हैं वो जमीनी लोग हैं, जमीन पर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, काम करते हैं। हार जीत अलग जगह होती है। हम लोग हारे थे 19 में, लेकिन भागे नहीं थे, यहीं रहे। आप जनता की बात सुनते रहे, 22 में जीते तो भी यहीं रहे। होली मिलन समारोह के दौरान आंवला से BJP सांसद धर्मेंद्र कश्यप का बड़ा बयान। कहा, मेरा मुकाबला सपा नहीं बसपा से। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य को बताया हारने वाला प्रत्याशी। हमारा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि ये हरेला जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से आया, इसको तो इसके किस्मत में ही हार है और इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। और हमारा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने कांग्रेस कार्यालय में की प्रेस वार्ता। इमरान मसूद के साथ सपा, कांग्रेस, लोकदल और आम आदमी पार्टी के नेता रहे मौजूद। सभी ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से इमरान मसूद को लड़ाएगा चुनाव। खतरे में है देश का लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए।
मेरा मान मेरा सम्मान नारे के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। आगरा से बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल ने किया केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ, विपक्ष पर बोला हमला, कहा विपक्ष के द्वारा ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों पर सवाल उठाना गलत, ऐसा बोलकर विपक्षी नेता भारत और संस्थाओं का कर रहे अपमान। जहाँ तक विपक्षी रैली का सवाल है और राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई और अन्य संस्थाओं पर सब जाहिर किया है, उसको मैं सच से कहा है, ऐसा कांग्रेस अपने जमाने में करती रही हो, ऐसा कह के वो भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा मुख्तार के घर जाने से डरे अखिलेश यादव, ट्विटर पर अखिलेश ने मुख्तार का नाम तक नहीं लिखा, इंसानियत के नाते अखिलेश को भी जाना चाहिए था मुख्तार के घर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिया समर्थन, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे सैकड़ों किसान, समर्थन के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील। माननीय ऋषिपाल जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान संगठन के लोग हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उन्होंने अपना समर्थन और समर्थन के साथ साथ इस लोकसभा चुनाव के हर क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने का जो वादा किया है उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। RLD को पश्चिमी यूपी में लगा बड़ा झटका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए नहीं देख सकता, RLD बीजेपी गठबंधन को लेकर विरोध में थे RLD नेता। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के विवादित स्थल पर बने कृष्ण कूप पर बिना अनुमति पूजा करने आ रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई, कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने किया था पूजन का ऐलान। देखिए विवादित स्थल बोल रही है, कृष्ण कूप पर बासौड़ा पूजन करने का सभी महिला पुरुषों को करने का अधिकार है और संविधान में नैतिक अधिकार सभी सनातनियों को दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश जी ने कल समर्थन मांगा था, अखिल भारत हिंदू महासभा ने समर्थन दिया है। आगरा के विजयनगर कॉलोनी में केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की बहरहमी से हत्या, दो बाइक पर आए चार लुटेरे, नौकर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम, विजयनगर पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। एक दंपति के घर में उनके ही नौकर जो 4 साल से नौकरी उनके शॉप पे करता था, उसने 2-3 लोगों के साथ घुस के इनके घर पे मारपीट इनके साथ की, जिससे दोनों पति पत्नी घायल हुए और दोनों पति पत्नी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां जो व्यक्ति के जो पति थे उनको मृत घोषित कर दिया गया और जो महिला है उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। अलीगढ़ में दबंगों ने भगवाधारी साधु के साथ बेरहमी से की मारपीट, पहले पेट्रोल पंप फिर सड़क पर घसीट कर की साधु की जमकर पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। IPL में आज मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है मैच, राजस्थान ने टॉस जीतकर किया बॉलिंग का फैसला, कल दिल्ली ने चेन्नई को और गुजरात ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।